हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम व्हाट्सएप स्टेटस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आसान तरीके से। कई बार तो हमारा फ्रेंड स्टेटस डालता है तो हम उसको हम लोग सेव कर सकते हैं और अपना स्टेटस पर कैसे डाल सकते हैं तो हमको स्टेटस को डाउनलोड करना पड़ता है आसान तरीके से। तो गाइस, मैं बताऊँगा कि व्हाट्सएप स्टेटस को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, वही जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक प्रोसेस बताऊँगा, वो प्रोसेस बहुत ही सरल है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और आप भी व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो चले गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं फटाफट, आपका बिना टाइम गवाए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको पास में घंटी दिख रही है उस घंटी को आपको ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा गाइस तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप भी मीशो एप्लीकेशन से पैसे कमाना चाहते हो तो आपको वीडियो के टाइटल पर आपको क्लिक कर लेना और आप डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, तो गाइस आपको यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर लेना और आपको मीशो एप्लीकेशन से आप पैसे कमा सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। उसके बाद गाइस, आपको व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना और आपको व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। जैसे आप व्हाट्सएप को ओपन करोगे तो गाइस आपको व्हाट्सएप में कोई डाउनलोड करने का फीचर नहीं आ रहा है, उसमें सेव को करने का फीचर भी नहीं आ रहा आसान तरीके से। तो गाइस, आप किसी स्टेटस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं बता दूँ आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप मोबाइल में आपको वीडियोमेटिक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना। यदि आपको वीडियोमेटिक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बना कर लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वीडियोमेटिक एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आसान तरीके से। उसके बाद गाइस, आपको वीडियोमेटिक एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना। तो गाइस, जैसे आपको वीडियोमेटिक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप का आइकन, जैसा व्हाट्सएप का आइकन आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत सारे स्टेटस आ चुके हैं। आप किसी स्टेटस को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो आसान तरीके से। जैसे मैं स्टेटस को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो उस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो स्टेटस चालू हो जाएगा और मैं आपको दिख रहा होगा नीचे सेव का आइकन, तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ आसान तरीके से। तो गाइस, मैं सेव का आइकन पर क्लिक करूँगा तो स्टेटस सेव हो जाएगा आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने स्टेटस को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हो आसान तरीके से। आप किसी के नंबर को आपको सेव कर लेना और आपको स्टेटस सेव करना चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए गाइस, वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट कर जरूर बताना। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे ट्विटर फॉलो कर लेना। तो चलिए गाइस, फाइनली इस वीडियो में आज इतना ही, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी।